देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एक बयान में कहा था कि वह भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। 2020 के अक्टूबर महीने में एक बार फिर उन्होंने अपने इस बात को दोहराया, परंतु रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी उनसे भी एक कदम आगे चल रहे हैं। उन्होंने दिसंबर 2020 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट में कहा था कि 2024 से पहले ही भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस दौर में 5G टेलीकॉम टेक्नोलॉजी की बात कही। यहाँ सवाल यह है कि आखिर अंबानी देश को इतने कम समय में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे बना पाएंगे और इसमें 5G की क्या भूमिका है। बता दें कि 5G तकनीक लोगों के काम करने का तरीका ही बदल देगा। यह टेक्नोलॉजी काफी तेज होगी और 4G के मुकाबले एक साथ अधिक डिवाइसों को हैंडल कर सकेगी। 5G तकनीक के बाद फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड के बीच का अंतर बहुत ही कम हो जाएगा। हर सेक्टर पर इसका असर होगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन और मनोरंजन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारत की 1.3 अरब की आबादी के संदर्भ में 5G के कई फायदे देखे जा रहे हैं। भारत में 5G की वैल्यू विकसित देशों से काफी अधिक होगी। मुकेश अंबानी 5G का अधिक से अधिक फायदा उठाने की सोच रहे हैं। 2017 में भी हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में मुकेश अंबानी ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक ब्लूप्रिंट रखा था और ये भी बताया था कि उसमें रिलायंस कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है। उन्होंने कहा था कि नई तकनीक को अपनाए बिना कोई भी देश ग्लोबल पावर नहीं बन सका है। उन्होंने कहा था कि आने वाले दशकों में एग्रीकल्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति देखने को मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि ये कब और कैसे होगा। मुकेश अंबानी ने कहा था कि भारत में 5G इकोसिस्टम के विकास में रिलायंस जियो एक बड़ी भूमिका निभाएगी। रिलायंस के जियो टीवी प्लस, मिक्स्ड रियलिटी जियो ग्लास, जियो फाइबर और वीडियो मीट ऐप जियो मीट भी भारत में 5G क्रांति की एक झलक दिखाने का काम कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि 2021 में ही वे 5G लॉन्च करने वाले हैं और कहा है कि वे बड़ी आसानी से 4G से 5G में अपग्रेड हो जाएंगे। बता दें कि दुनिया भर की बड़ी कंपनियां जियो में निवेश भी कर रही है ताकि वो भारत में 5G क्रांति का फायदा ले सके। पिछले साल गूगल और फेसबुक समेत बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 20.2 अरब डॉलर का निवेश किया है। सरकार की तरफ से भी अंबानी को सहयोग मिल रहा है, इससे बाजार में जियो की मोनोपोली और मजबूत होगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अंबानी का एक नया मूवमेंट भी चल रहा है जिसे डेटा लोकलाइजेशन कहा जा रहा है, जिसमें वो चाहते हैं कि डेटा का कंट्रोल भारत में ही रहे, ना कि विदेशों में विदेशी कंपनियों के पास। उन्हें यह भरोसा है कि जल्द ही मोदी सरकार डेटा प्राइवेसी को लेकर कोई नया नियम भी ला सकती है। ये कदम भारत को वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाने में मदद करेगा। इस तरह जियो की 5G टेक्नोलॉजी का भारत में बड़ा दबदबा होने वाला है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।